हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज। तो गाइज, यहाँ पे अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 6, किसका? भारत का भूगोल, जिसमें जो चैप्टर नंबर 6 है ना गाइज, वो है आपका अपवाह तंत्र। ठीक है, तो अपवाह तंत्र में जो इसका पार्ट 1 है वो है गंगा नदी तंत्र, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हम जो है ना चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस कुछ इस तरह से है। चैप्टर नंबर 5 भाषा तक तो हम वीडियो बना चुके हैं गाइज। यहाँ देखिए चैप्टर नंबर 6 जो कि है अपवाह तंत्र, तो इसमें एक है आपका गंगा नदी तंत्र, दूसरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र गाइज, तीसरा दक्षिण भारत में जो नदियाँ हैं हम उसकी बात करेंगे, इसके अलावा अन्य जो नदियाँ हैं हम उसकी बात करेंगे, और नदियों के किनारे जो स्थित नगर हैं यानी कि इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं हम उसकी बात करेंगे, फिर प्रताप और प्रपात हैं और झीलें हैं हम उसकी बात करेंगे, और ये चैप्टर नंबर 6 फिर ख़त्म होगा। हालांकि बहुत बड़ा सा चैप्टर है, बट धीरे 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 हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आप देख सकते हैं एक बार पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका जो बचा हुआ है जो हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये सारे हैं। ठीक है, एक बार 1 से भी देख लेते हैं, जिसने अभी तक आज जिसने वीडियो स्टार्ट करी है, जो नए हमारे चैनल के संग जुड़े हैं उनके लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ हो गई कहानी ख़त्म हमारे सिलेबस की गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पसंद आए तो बिल्कुल करिएगा। अगर कमेंट में आपको सजेस्ट करना चाहते हैं तो गाइस करिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फिर चैनल को। तो गाइस, यहाँ पे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गंगा नदी तंत्र। तो गाइस, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है जो हिमालय की नदियाँ हैं यानी कि पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ठीक है, अभी हम समझेंगे पूर्ववर्ती। ठीक है, तो इसमें लिखा है ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपरदन कार्य करती हैं, अतः इनके द्वारा गार्ज और महाखंड आदि का निर्माण होता है। इस प्रकार की नदियाँ क्या है? सिंधु हैं, सतलज हैं, गंगा है एंड ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, यानी कि गाइस कुछ ऐसा पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि सपोज यहाँ से नदी बह रही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर क्या है किसी पर्वत का उत्थान होता है तो ये क्या करेंगे? अपना अपना रास्ता नहीं बदलती हैं। ठीक है, अब ये क्या करती है? उस पर्वत को ही काट देती है, उस चोटी मतलब जो भी उनके रास्ते में आता है उसको काटती हुई क्या है अपने ही मार्ग पर चलती हैं, अपना मार्ग कभी चेंज नहीं करती हैं। तो इसमें ये क्या करती हैं? बड़े बड़े गार्ज और महाखंडों का भी निर्माण कर डालती हैं, बिकॉज ये अपना तो वो बिल्कुल भी रास्ता जो है चेंज करती नहीं है, बाकी ये गार्ज और महाखंड का निर्माण कर देती हैं। उन नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? तो गाइस देखिए, यहाँ पे सिंधु नदी है, सतलज नदी है, गंगा ब्रह्मपुत्र है, ये चार नदियाँ तो हमें यहाँ पे दे रखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं आगे भी क्या है। अब हम गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चलिए आइए गंगा का देखते हैं। तो गंगा जो है भारत की सबसे लंबी, अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 25 किलोमीटर यानी कि 2525 किलोमीटर लंबी नदी है ये। तो हालांकि अगर आप बात करें ना गाइस, तो ये काफ़ी लंबी नदी है आपकी। कहाँ से निकलती है? आपकी उत्तराखंड से निकलते हुए कहाँ तक जाती है? आपकी वेव बंगाल पे गिरती है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ है गाइस? वो है आपका गंगोत्री हिमानी के कहाँ? गोमुख से। ठीक है, गंगा से जी से गंगोत्री, जी से गोमुख। ठीक है, तो जी से गंगा, तो गंगा कौन से हिमानी? हिमानी क्या होता है? ग्लेशियर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि गंगोत्री हिमानी से गोमुख से। ठीक है, अब इसमें लिखा है जो टिहरी, टिहरी में इसे जो इसमें है भिलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर क्या है इसमें मिल जाती है। तो देखिए गाइस, जैसे सपोज कि ये बह रही है तो एक जगह से आके जो है यहाँ पे टिहरी है, तो टिहरी में भिलांगना, यहाँ से भिलांगना नदी आती है और यहाँ पे मिल जाती है। फिर थोड़ी और आगे जाते हैं, देवप्रयाग है, देवप्रयाग में यहाँ पे क्या अलकनंदा नदी आके इसमें मिल जाती है। अब लिखा है भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप कौन क्या है? गंगा। मतलब सपोज कि एक तरफ से आपकी आ रही है अलग भागीरथी, एक तरफ से आ रही है अलकनंदा, और दोनों क्या है एक जगह से मिल जाती है, तो हम इसको कह देते हैं गंगा नदी। ठीक है, उसका नाम बदल जाता है और गंगा हो जाता है। फिर लिखा है गंगा जो है हरिद्वार जैसी हरिद्वार में आती है, तो हरिद्वार में क्या होती है? पहाड़ों से मैदानों पर उतर जाती है, यानी कि मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ पर? हरिद्वार में। उससे पहले पहाड़ों में जो है बह
रही होती हैं। अब लिखा है गंगा जो है झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। मतलब सपोज कि ये पहाड़ी है, गंगा नदी जो है ये राजमहल की पहाड़ी है सपोज, तो गंगा नदी इसके उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ की बात हो रही है गाइस? झारखंड की बात हो रही है, ठीक है। उसके आगे लिखा है कि पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मतलब अगर आप बात करें कि जैसे सपोज कि गंगा जो है इंडिया में है, अभी इंडिया में यहाँ पे है सपोज कि वेस्ट बंगाल तक गंगा पहुँची, ठीक है। अब यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है फरक्का, तो जैसे ये फरक्का में पहुँचती है, फरक्का के बाद ये कहाँ आ जाती है? बांग्लादेश। आगे जो है वेस्ट बंगाल के साइड में क्या आने लगता है, कौन सा देश आ जाता है? फिर बांग्लादेश आ जाता है। तो ये बांग्लादेश में क्या है? प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है ना, ये सपोज ये बॉर्डर है, यहाँ पे आपका है वेस्ट बंगाल जो कि आपका इंडिया का पार्ट है, और यहाँ आ जाता है आपका बांग्लादेश। जैसे ही इसमें आती है तो यहाँ पे तो इन्हें बोला जा रहा है गंगा, लेकिन जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ इनका नाम हो जाता है गाइस पद्मा, ठीक है। ये हो गया इनका नाम पद्मा। अब बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र, यानी कि देखिए जैसे ही जो ब्रह्मपुत्र रिवर आती है ना, तो जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी कुछ इस तरह से आती है, ये है आपका सिक्किम और ये आपका गाइस ये नॉर्थ ईस्ट वाला हम पोर्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से, तो यहाँ से ऐसे करके ब्रह्मपुत्र रिवर आती है और यहाँ पे आ जाता है फिर से बांग्लादेश। यहाँ से आ रही है गाइस गंगा नदी, तो गंगा नदी को यहाँ बोल दिया गया है पद्मा, और यहाँ जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आती है तो इनका इसका नाम हो जाता है गाइस जमुना, ठीक है। पद्मा और इनका नाम हो जाता है जमुना। अब दोनों जो है एक जगह आके मिल जाती है, और मिलने के बाद इन दोनों का जो सही मतलब ये दोनों मिलने के बाद जो इनका इसका नाम हो जाता है वो हो जाता है मेघना, ठीक है। देखिए क्या है, जमुना से मिलने के बाद क्या है, संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है। मतलब देखिए मेघना हो जाता है, ठीक है। और मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपने जल का क्या है त्याग करती है। मतलब जब ये और बंगाल बांग्लादेश आगे बढ़ती है, बंगाल की खाड़ी आते हैं, तो इनका ये जो है मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ना कि यमुना और ना कि जमुना, ये दोनों मिलकर मेघना बनाती है। और मेघना कहाँ गिरती है? आपकी बंगाल की खाड़ी में, यानी कि वे ऑफ बंगाल में गिरती है। फिर इसमें लिखा है कि अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। गाइस डेल्टा क्या होता है एक बार देख लेते हैं। सपोज कि यहाँ पे मैदान है, ये रिवर आ रही है, रिवर आने के बाद क्या होती है, रिवर यानी कि नदी आ रही है, नदी अपने साथ क्या है कुछ मिट्टी, कुछ मतलब कुछ भी आपका थोड़ा बहुत कंकड़ पत्थर मिट्टी ये सारी चीजें ले जाती हैं, और ये आगे जाके क्या उसको छोड़ देती हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ डेल्टा की शेप में बनता है, तो हम इसे डेल्टा ही बोलते हैं। तो ये जो गंगा नदी है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो इसमें लिखा है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो ये डेल्टा है वो हुगली और मेघना नदी के बीच बनता है। कौन कौन सी? हुगली और मेघना नदी के बीच बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ क्या लिखा है, गंगा नदी तंत्र लिखा बनाया हुआ है गाइस यहाँ पे, बहुत ही हौच पौच है इसमें। तो इस एक बार भारत के मैप में देखते हैं गंगा नदी कितनी जगह मतलब कितनी जगहों को प्रभावित करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ होके यहाँ पे आके गिर जाती है ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पे बना रखा है गंगा नदी का थोड़ा हिसाब किताब, देखते हैं जरा यहाँ पे। तो हमने कहा भागीरथी यहाँ से आ रही है, अलकनंदा यहाँ से आ रही है, आगे मिल गई गंगा बन गई। गंगा जो है आपकी हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती हैं। फिर गंगा की यहाँ पे सहायक नदियाँ भी बना रखी हैं, ठीक है, जो गंगा में आके मिल जाती हैं। तो गाइस जैसे सपोज कि एक गंगा जो है प्रवाहित हो रही है, ठीक है, यहाँ से आपकी यमुना आ रही है, यमुना जो है इधर से आपकी गंगा में मिलती है आके, ठीक है। तो अब एक चीज़ और है, गंगा में जो है गाइस लेफ्ट सॉरी राइट साइड से यमुना नदी आके मिलती है, और लेफ्ट साइड से तो बहुत सारी हैं, जैसे देखिए यहाँ पे है राम गंगा नदी है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी देखिए आ रही है गोमती रिवर, इसमें आके मिलती है साई रिवर, ठीक है। वैसे आपकी है घाघरा रिवर, आपकी है गंडक, फिर बाकी भी आप अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत सारी रिवर्स हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे आपकी सोन रिवर आ रही है, आपकी टोन्स है, आपकी यहाँ पे चंबल रिवर है, चंबल में आके बनास मिलती है, काली सिंध है आपकी, पार्वती इधर सब चंबल में आके मिलती है, और सिंध रिवर आपकी यमुना में आके मिलती है, बेतवा रिवर आपकी यमुना में आके मिलती है, एक केन आपकी यमुना में आके मिलती है, और इन सबको मिला के यमुना कहाँ गंगा में मिल जाती हैं। तो ऐसे करके ये जो है ना गाइस, आप मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, और इस मैप को तो आप बिल्कुल से देखिएगा, ठीक है। देखिए ये सारी की सारी रिवर्स हैं, भागीरथी अलकनंदा ऊपर है, बाकी आप सारी की सारी को क्या है अपने एक नोटबुक पे जरूर से ड्रॉ करिएगा। तो इसमें हर एक तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारी इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे हम यहाँ पहुँचते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कहा था, देखिए यहाँ से आके देखिए गंगा में महानंदा मिलती है, ठीक है,
एक जगह आते हैं। जैसे आप इस पॉइंट पे आते हैं तो गंगा दो जगह विभाजित हो जाती है, एक पद्मा आगे चली जाती है, एक हुगली जो है नीचे आ जाती है। हुगली जो आपकी वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, तो ये हुगली आपकी नीचे आ जाती है और पद्मा आपकी आगे बढ़ जाती है। आगे यानी कि बांग्लादेश में पहुंच जाती है, फिर वे बंगाल में गिर जाती है आगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो हुगली रिवर है उसमें आपकी दामोदर है, मयूराक्षी, ये दोनों मिलती हैं आके। तो कहीं हम दामोदर के बारे में पढ़ेंगे तो ये यही पढ़ा जाएगा कि जो दामोदर है आगे जाके हुगली में मिल जाती है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अभी इसको इतना ही रोक देते हैं, ठीक है। इतना आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। तो एक और देख लेते हैं, यहाँ पे कोसी रिवर भी देख लेते हैं, ठीक है। और गाइस बहुत इंपॉर्टेंट में तो हमने आई थिंक रिहन देखा, देख लीजिए आप, सोन में जाके मिलती है, ठीक है। तो आई होप हम लोगों ने काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अलकनंदा नदी, अलकनंदा पे आते हैं एक बार। तो बस ये याद रखिए, अलकनंदा ये भागीरथी, ठीक है। तो यहाँ लिखा है अलकनंदा नदी जो है चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। तो गैस हम कहानी चल रही है हमारी पूरी उत्तराखंड की। तो अलकनंदा नदी कहाँ, चमोली, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है और चमोली जिले की जो है नगर पंचायत यानी कि बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। तो क्या है गाइस, बद्रीनाथ किसके तट पर है, बद्रीनाथ है अलकनंदा के तट पर। फिर लिखा है आदि जो है आदि शंकराचार्य द्वारा जो चार पीठों की स्थापना की है उसमें जो है बद्रीनाथ एक पीठ है। और ये आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा, ये आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिला होगा अगर आपने वीडियोस देखी होंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं केदारनाथ। तो केदारनाथ के बारे में तो गए सब जानते हैं। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी जो है मंदाकिनी है, मतलब केदारनाथ से बहना स्टार्ट करती है रुद्रप्रयाग की के पास। देखिए गए प्रयाग क्या होता है, प्रयाग मतलब होता है जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है उस स्थान को हम बोलते हैं प्रयाग। जैसे कि अब इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है और उसको रख दिया गया है प्रयागराज, तो वहां पे क्या है, दो नदियों का संगम है इस वजह से, ठीक है। तो यहां पे लिखा है कि यहां केदारनाथ से क्या मंदाकिनी निकलती है और ये किस तरफ बहती है, प्रयागराज की तरफ बहती है, ठीक है। ये चोरावाड़ी ताल से निकलती है और ताल मतलब जैसे ग्लेशियर से नदी का उद्गम होता है वैसे इस ताल से इस नदी का मंदाकिनी का उद्गम है, ठीक है। तो यानी कि चोरावाड़ी ताल से निकलती है तथा सोन प्रयाग में, तो ओके दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे थोड़ा चलिए यहाँ पे जो नीचे लिखा है ना वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ठीक है। चलिए हम इसको ही समझ लेते हैं एक बार। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या बोला इसने, जो केदारनाथ है ना, तो इस मैप यही चीज़ पूरी की पूरी नीचे लिखी भी हुई है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे ही देख लेते हैं इसी इमेज से। तो देखिए इसने कहा जो केदारनाथ है, केदारनाथ के पास से क्या निकलती है, मंदाकिनी रिवर निकलती है, ठीक है। और ये क्या है फिर, ये चोड़ावाड़ी ताल से निकलती है, ठीक है आगे। तो ये कहाँ पहुँचती है, सोन प्रयाग की तरफ निकलती है। और सोन प्रयाग में क्या होता है ना दोस्तों, यहाँ से आ रही होती है काली गंगा, तो काली गंगा और यहाँ से जो मंदाकिनी है सोन प्रयाग में एक दूसरे से आके मिल जाती हैं। फिर ये जैसे ही ये नदी क्या होती है, काली गंगा जब इसमें मिल जाती है, फिर ये नदी आगे जाती है कहाँ पे, रुद्रप्रयाग की तरफ जाती है। अब रुद्रप्रयाग में क्या होता है, सतपा शिखर से ना एक रिवर निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, ठीक है। तो अलकनंदा इसमें जाके क्या है, मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे है गाइस, यहाँ पे कर्ण, यहाँ पे है आपका कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में क्या होता है, यहाँ से पिंडर रिवर आती है और इसमें आके मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे है ना, जो इस पेपर के नीचे है गाइस, यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें लिखी हैं। तो आप इस मैप को थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो अब लिखा है हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ, आकर क्या है, हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जो आकर कहाँ, गंगा में मिलती हैं, जिसमें से कुछ देख लेते हैं गाइस। अभी हमने नाम भी देखे हैं कुछ के। तो यहाँ पे देखिए हमने एक देखा रामगंगा है, शारदा को ही हम क्या बोलते हैं, सरयू रिवर भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे है घाघरा, गंडक, कोसी और यमुना, ये सारी क्या है आपकी हिमालय से निकलती है, गंगा रिवर में आके मिल जाती हैं। फिर लिखा है यमुना नदी जो है हिमालय की कहाँ से, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, और गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री, ओके। फिर लिखा है ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती हैं, मतलब इसके राइट साइड में जो है गंगा के समानांतर, मतलब सीधे सीधे साथ साथ बहती हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्रयागराज यानी कि हमारा इलाहाबाद, हमने कहा ना ये जो प्रयाग होता है, प्रयाग वो जगह होती है
जहाँ दो या दो से ज़्यादा नदियों का संगम होता है, यानी कि दोनों मिलती हैं आके, ठीक है। तो प्रयागराज यानी कि जो इलाहाबाद है, तो वहाँ पे जो है ये जो यमुना रिवर है आ रही होती है, वो आपकी किससे, गंगा रिवर से आके मिल जाती है। फिर हम बात करेंगे शारदा और सरयू, देखिए एक ही है। तो इसने कहा कि शारदा नदी नेपाल हिमालय में कहाँ से निकलती है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मिलाम। चलिए शारदा रिवर एक बार मैप में देखें कहाँ है। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं शारदा रिवर, ओके। तो यहाँ पे लिखा है ये शारदा रिवर है जो कहाँ से आती है, नेपाल हिमालय से आती है। और क्या है, और कहाँ से, मिलाम ग्लेशियर से आती है, ग्लेशियर मतलब हिमानी, ठीक है। तो मिलाम ग्लेशियर से निकलती है और ठीक है यहाँ पे है। फिर लिखा है प्रारंभ में इसे क्या है, गौरी गंगा कहते हैं, शारदा रिवर को गौरी गंगा कहते हैं। और भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में ये घाघरा से मिलती है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या ये मिल रही है घाघरा से। तो यहाँ पे देखिए शारदा रिवर आती है और यहाँ से देखिए घाघरा रिवर से मिल जाती है, और घाघरा रिवर आपकी जाके गंगा में मिलती है, ठीक है। देखिए दो नाम है यहाँ पे, शारदा रिवर और ये हो गई घाघरा रिवर से आके मिलती है। और कहाँ पे मिलती है, उत्तर प्रदेश में मिलती है, कहाँ पे, देखिए बाराबंकी में। तो इसके दो तीन नाम हो गए गाइस, कौन सी है, शारदा रिवर है, एक टाइम इसको बोलते हैं गौरी गंगा, और जब नेपाल भारत की सीमा पे चलती है तो इसको बोल दिया गया काली नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कोसी रिवर, तो कोसी रिवर कहाँ से, नेपाल हिमालय से निकल कर गंगा नदी में मिलती है। कहाँ से निकली है, नेपाल हिमालय से, ये भी निकल रही है। तो प्राय जो है मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण कोसी नदी जो है अपना मार्ग को बदलती रहती है, तो जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। यानी कि जो बिहार में बाढ़ आती है ना गाइस, ज़्यादातर इसी नदी के कारण आती है, क्योंकि ये क्या है, अपने पथ पे चलने की जगह क्या इधर उधर हो जाती है। तो इधर उधर अगर कोई गांव है, कोई शहर है, तो गाइस उसमें क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, बिहार में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा है गंडक नदी के बारे में लिखा है, तो गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर, ये भी देखिए नेपाल से ही निकल रही है, तो पटना के निकट एक जगह है जिसका नाम है सोनपुर। तो वहां पे जाके क्या है, गंगा नदी से मिल जाती है। गंडक क्या है, सोनपुर में गंगा रिवर से आके मिलती है। अब इसमें लिखा है त्रिवेणी नहर में गंगा नदी से पानी आता है, कहाँ से आता है, सॉरी गंडक नदी से पानी आता है, मतलब इससे एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है त्रिवेणी नहर, ठीक है, गंडक रिवर से। तो गंडक रिवर से उसमें पानी आता है, और ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। चंपारण आपने सुना होगा गाइस हिस्ट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आए अगर आपको पता है गाइस वहाँ पे, कमेंट करके बताइए चंपारण आपने कहाँ सुना है। तो अब है आपका रामगंगा नदी, ठीक है, का उद्गम कहाँ, उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित क्या दूधा टोली सेड़ी से होता है। किसका, रामगंगा की बात हो रही है, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल से निकलती है ये। अब लिखा है यमुना नदी यमरोती हिमनद यानी कि हिमानी यानी कि ग्लेशियर के बंदरपुच चोटी के पास क्या है, उद्गमित होती है, यानी कि निकलती है। कहाँ, बंदरपुच चोटी है उसके पास से ये निकलती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ भी हमने देखी हैं, तो उसमें चंबल है, बेतवा है, केन है। आइए हम एक बार मैप में भी देख लेते हैं। तो गाइस ये रहा आपका मैप, तो इसमें चंबल, बेतवा, केन यही सब थी। तो देखिए एक ये आपकी यमुना रिवर है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये आपकी है चंबल जा रही है, बेतवा जा रही है, यहाँ पे देखिए आपकी केन थी कहीं पे, ये देखिए ये केन है। और भी है गाइस लाइक ये आपकी सिंध रिवर भी इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। तो ये सारी हैं, ठीक है, हमने देख लिया यमुना की सहायक रिवर थी ये सारी। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक कर लिया दोस्तों हमने, हाँ तो ये हो गई इसकी सहायक रिवर हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब लिखा है अमरकंटक के पहाड़ से निकलने वाली सोन नदी, सोन जो है गंगा के दक्षिणी तट यानी दाहिनी तट पर मुख्यतः सहायिका है, मतलब सहायक नदी है, जो पठार के किनारे पर जल प्रपात की एक श्रृंखला बनाती है और उत्तर दिशा की ओर बहती है, और पटना के निकट क्या है, गंगा में मिल जाती है। तो अब हम देखते हैं कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से सोन। तो गाइस ये देखिए आप यहाँ पे कहाँ है सोन रिवर, तो ये कहीं अमरकंटक से निकल रही है और उत्तर की ओर बहते हुए गंगा में मिल जा रही है, ठीक है, यही है गंगा, देखिएगा इस ये आ रही है गंगा रिवर, ठीक है, मिल जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ और कहाँ पे, पटना के निकट,
गंगा में मिल रही है। फिर लिखा है दामोदर नदी, आइए इसमें देख लेते हैं एक बार दामोदर। तो गाइस ये देखिए दामोदर नदी है, और ये जो है यहाँ से गंगा दो जगह भी विभाजित हो जाती है, एक पद्मा जो वेस्ट बांग्लादेश में चली जाती है, और वेस्ट बंगाल में आपकी ये हुगली रिवर चल रही होती है, और ये दामोदर नदी जो है हुगली से आके मिलती है। चलिए आइए अब इसकी कहानी भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है जो दामोदर नदी है गाइस झारखंड का छोटा नागपुर जो क्षेत्र है वहाँ से निकलती है, और हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पहले उसमें मिल जाती है। मतलब हुगली नदी जब समुद्र में गिर रही होती है उससे पहले ही दामोदर हुगली में आके मिल जाती है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण क्या होता है, इसको बोलते हैं बंगाल का अभिशाप या बंगाल का शोक। यानी कि दो चीज हो गई, एक गाइस हमने बिहार का शोक देखा, और यहाँ हम देख रहे हैं बंगाल का शोक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दामोदर रिवर जो है ये वाली, ये आपकी है बंगाल का शोक। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें गाइस कोसी रिवर की, तो गाइस ये रही आपकी कोसी रिवर, ये है आपकी बिहार का शोक। तो ये दोनों याद रखिएगा, ये दो शोक की बात तो बहुत बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चंबल नदी। चंबल आइए एक बार इसमें देख लेते हैं, तो ये रही जो आपकी यमुना में जाके मिल रही है। ठीक है, चलिए आइए चंबल पे। हाँ, तो इसमें लिखा है चंबल नदी जो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के महू के निकट से निकलती है, और ये पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा राजस्थान के निकट गार्ज का निर्माण करती है, और फिर ये नदी जो है राजस्थान के सवाई माधोपुर धौलपुर से होती हुई यमुना में मिलती है। यानी कि ये कहाँ से आती है, ये मध्य प्रदेश के महू के निकट से आती है, कोटा राजस्थान में पहुँचती है, उसके बाद सवाई माधोपुर पहुँचती है, फिर धौलपुर पहुँचती है, फिर यमुना में आके मिल जाती है। कौन सी की बात हो रही है, चंबल रिवर की बात हो रही है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं गोमती रिवर। तो कैसे आप गोमती रिवर जो है, देखिए इसका उद्गम क्या है, गोमत ताल है। ठीक है, यानी कि फुल्लर झील, गोमत ताल फुल्लर झील किस जगह कहाँ पे मिलेगा आपका, उत्तर प्रदेश में एक जगह है पीलीभीत, वहाँ से निकलती है। ठीक है, और ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है गाइस, मैदान से होता है। ठीक है, ये पीलीभीत आपको बिल्कुल कहाँ मिलेगा गाइस, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे एक झील है फुल्लर झील यानी कि गोमत ताल, यहाँ से आपकी निकलती है गोमती, और यही एक नदी ऐसी है जिसका उद्गम है, मतलब जो स्टार्ट कहाँ से होती है, मैदान से ही होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पर, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा गाइस। तो देखिए कितना छोटा सा चैप्टर है, ये भी खत्म हो गया, थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, बाकी तो अगर एक बार आपको पता चल जाए तो दोस्तों भूलना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अब यहाँ नदी है, उद्गम है और संगम है, यानी कि देखिए क्या है, जो गंगा रिवर है कहाँ से आती है, गौमुख से आती है, गंगोत्री हिमानी के यहाँ से निकलती है। ठीक है, कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। यमुना रिवर कहाँ पे गैस, यहाँ पे है यमुनोत्री हिमनस पे गंग जो है बंदर पुछ से निकलती है, और ये क्या होता है कहीं गिरती विरती नहीं है, गंगा नदी में प्रयागराज या इलाहाबाद में आके मिल जाती है। फिर शारदा रिवर या काली रिवर की अगर बात करें तो ये नेपाल हिमालय से निकलती है, वहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मिलाम ग्लेशियर है वहाँ पे, और ये क्या है आगे बढ़कर जो है उत्तर प्रदेश में एक जगह है बाराबंकी, वहाँ पे जो है घाघरा नदी में आके मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं कोसी, कोसी को क्या बोला था, बिहार का शोक बोला था गाइस, तो ये भी आके गंगा में मिलती है, और गोसाई थान नेपाल हिमालय से ये निकलती है। फिर आते हैं बात करते हैं गंडक की, तो ये नेपाल हिमालय से निकलती है, गंडक जो है सॉरी गंगा में मिलती है, कहाँ, पटना के निकट, कौन सी जगह, सोनपुर में। फिर यहाँ लिखा है राम गंगा जो है कहाँ से, कहाँ, उत्तराखंड से आती है गाइस, कौन सी जगह, दूधा टोली शिरडी से, उत्तराखंड से, और ये कहाँ मिलती है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, आगे है सोन रिवर, सोन रिवर हमने देखा था कि अमरकंटक पठार से निकलती है, उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और पटना के निकट गंगा में आके मिल जाती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं दामोदर रिवर जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली नदी में आके मिलती है कोलकाता के निकट। ठीक है, और फिर हुगली जो है बाद में समुद्र में मिल जाती है। फिर अगर हम बात करें चंबल की, तो मध्य प्रदेश के महू से निकलती है और ये क्या है, यमुना में आके इटावा के निकट, इटावा का है उत्तर प्रदेश में, तो इटावा के निकट आके यमुना में मिल जाती है। फिर गोमती रिवर की बात करें तो गाइस ये आपकी जो पीलीभीत के पास, पीलीभीत में है क्या, फुलहर, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, फुलहर झील जिसको हम बोलते हैं गोमत ताल, यहाँ से निकलती है और बाद में आके क्या है आपकी गंगा में मिल जाती है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को थोड़ा सा आसान लगा हो, अगर लगा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, एक बार ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी क्या है कोशिश करती हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए गाइस थोड़े से क्वेश्चंस हैं, एक बार देख लेते हैं भैया कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6
अप्रॉक्स 6 पेजेस है, फटाफट कर लेते हैं गाइज, हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गंगा नदी का उदाहरण है, तो इसमें पूर्ववर्ती अपवाह का, देखिए पूर्ववर्ती अपवाह अपने मार्ग को कभी नहीं बदलती है, बीच में अगर पहाड़ भी आ जाए तो उसको काटते हुए अपना वही मार्ग रखती है, ठीक है। आगे लिखा है बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोला पुकारा जाता है, क्या बोला जाता है गाइस, पद्मा बोला जाता है। तो गंगा जो है हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है और झारखंड की सीमा पर स्थित जो राजमहल की पहाड़ी के उत्तर में प्रवाहित होती है और पश्चिम बंगाल में फरक्का एक जगह है, वहाँ से क्या ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ पर इनको बोला जाता है पद्मा। फिर लिखा है गाइस यहाँ लिखा है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी की निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए ये रिपीट हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम एक बार पद्मा नाम से जाना जाता है, आइए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। तो इसमें गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में पद्मा की जो मुख्य धारा है वो ब्रह्मपुत्र से मिलती है, हालांकि जब ब्रह्मपुत्र आपकी बांग्लादेश में जब एंट्री मारती है तो ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना, और पद्मा और जमुना जब एक साथ मिल जाती है उसके बाद जो इनकी संयुक्त धारा है ना एक बन जाती है, और यहाँ उस नदी का नाम हो जाता है मेघना, और मेघना ही क्या है आगे बढ़कर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है रिपीट, ये क्वेश्चन भी आप पढ़िए आंसर भी आप दीजिए क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। लिखा है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ, तो यहाँ पे लिखा है ए गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर मेघना बनाती है और वो आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जहाँ पे एक बड़े से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है उसका निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। इसकी ये मतलब इसका लगभग 2/3 यानी कि 2/3 भाग जो है बांग्लादेश में और शेष भाग कहाँ है भारत में आता है। लिखा है गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, बिल्कुल सही है गाइस, आजकल गंगा प्रदूषित है बिल्कुल। और इसमें लिखा है जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है गाइस, ये तो कहीं से कोई इसका तालमेल ही नहीं बैठता। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है गाइस सी, यानी कि ए तो सही है लेकिन जो आर है ना वो गलत है। तो इसमें लिखा है गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है, शहरों का अवशोषित प्रदूषण गंगा नदी में निकाला जाता है, मतलब जो भी गंदगी है ना शहरों की तो गाइस वो नदी गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाती है। जैसे दिल्ली में आप सुनते होंगे ना यमुना रिवर जो है जो भी आता है औद्योगिक कचरा मतलब जो भी आता है पानी आता है गंदा वो आता है और जो सीवर्स का आता है वो आप का आता है कहाँ नदी में गिरता है कौन सी नदी है तो गाइस वो है यमुना रिवर, वैसे गंगा में भी यही सब होता है। चलिए नेक्स्ट लिखा है गंगा की जलोढ़क मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितने, इसमें लिखा है 6,000 मीटर तक है यानी कि 6 किलोमीटर। तो इसमें लिखा है कि ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़क निक्षेप की मोटाई जो है आपकी 4 से 6 किलोमीटर या 4,000 से 6,000 मीटर तथा ग्लेनी के अनुसार ये कितनी है 2,000 मीटर है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, 5 पेज बचे हैं अभी और। ओके दोस्तों तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा इसमें लिखा है रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। तीसरा लिखा है अलकनंदा नदी जो है बद्रीनाथ से बहती है। और फिर लिखा है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो गाइस यहाँ पे इसने लिखा है निम्नलिखित कथनों का जो है परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुन के बताइए। तो इसमें आंसर है ए यानी कि 1, 2 एंड 3। आइए देखते हैं इसमें क्या है, 1, 2, 3 सही है और जो चौथा है वो गलत है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है देवप्रयाग जो है भागीरथी, देवप्रयाग प्रयाग 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 तो प्रयाग मतलब होता है जहाँ मिलन होता है दो नदियों का या दो से ज़्यादा नदियों का होता है संगम होता है। तो देवप्रयाग में क्या है भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो ये सही हो गया। दूसरा लिखा है रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है तो ये भी सही हो गया। तो अलकनंदा नदी जो है चमोली टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से बहती है और चमोली जिले की नगर पंचायत यानी कि बद्रीनाथ अलकनंदा के निकट जो है अवस्थित है तट पर अवस्थित है। फिर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में जो है बद्रीनाथ की स्थापना है ना कि मतलब बद्रीनाथ में स्थापित है, ठीक है, मतलब जो 4 पीठ है उसमें केदारनाथ नहीं है बद्रीनाथ है, ठीक है। तो आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में जो है केदारनाथ का महत्व है, केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 4 पीठ की जो शंकराचार्य की थी उसमें आपका बद्रीनाथ आता है ना कि केदारनाथ, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करेंगे तो उसमें केदारनाथ का नाम आता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूची ए और बी है, स्थल है नदियों का संगम है, यानी कि रुद्रप्रयाग में कौन सी 2 नदी बहती मतलब आके मिलती है, नंदप्रयाग में कौन सी मिलती है, कर्णप्रयाग में कौन सी मिलती है, देवप्रयाग में कौन सी मिलती है। चलिए आइए दोस्तों यहाँ पर हम इसकी देखते हैं व्याख्या। तो गाइस यहाँ पर क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है कि ओके
तो इसमें लिखा है रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग का मिलन जो है सूची टू में क्रमशः, देखिए तो रुद्रप्रयाग का सूची टू में क्या लिखा है आपका, अलकनंदा मंदाकिनी, कर्णप्रयाग का लिखा है अलकनंदा पिंडर, और फिर देवप्रयाग का लिखा है भागीरथी और अलकनंदा से हो रहा है। जबकि जो नंदप्रयाग है ना गाइस, नंदप्रयाग और विष्णु गंगा मंदाकिनी में सुलेमित नहीं है। मतलब इसने देखो इसने क्या कहा है कि इसने कहा कि रुद्रप्रयाग सही है, ये दोनों आके मिलती हैं, कर्णप्रयाग में आपकी अलकनंदा पिंडर आके मिलती है, देवप्रयाग में आपकी विष्णु गंगा और मंदाकिनी मिलती है, लेकिन जो नंदप्रयाग है तो गाइस ये वाला जो है हमारा बी वाला जो है आंसर वो है गलत। आइए देखते हैं, चलिए दोस्तों एक बार इसे देखते हैं, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। देखिए गाइस इसमें क्या लिखा है, जो रुद्रप्रयाग है उसमें अलकनंदा और मंदाकिनी आके मिलती है, कर्णप्रयाग में आपका अलकनंदा और पिंडर आके मिलती है, देवप्रयाग में भागीरथी और आपकी अलकनंदा आके मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें नंदप्रयाग की, तो नंदप्रयाग में गाइस ये विष्णु गंगा नहीं मंदाकिनी, और देखिए आपकी यहाँ पे नंदप्रयाग में गाइस आती है आपकी अलकनंदा, और यहाँ पे नंदाकिनी नहीं है गाइस, मंदाकिनी है, ये माँ है, ठीक है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी आके मिलती है, ये आपका सही करेक्ट आंसर है। अब लिखा है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह और जो है मुख्य नदी से संबंधित है, तो इसमें लिखा है अलकनंदा से, ठीक है। तो इसमें लिखा है मंदाकिनी नदी जो है चौराबाड़ी ताल से निकलती है और क्या है सोनप्रयाग में काली नदी से मिलती है, मिलते हुए आगे बढ़ती है और बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान स्थान पर क्या है ये अलकनंदा से क्या है मिलती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है पूर्वी ढोली गंगा सहायक नदी है, तो इसमें लिखा है आंसर है बी यानी कि काली नदी की। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है, तो यहाँ लिखा है पूर्वी जो ढोली गंगा जो ढोली गंगा है वो आपकी काली नदी की सहायक नदी है, और काली नदी जो है लिपुलेख दर्रा है, तो लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। गाइस आपने आई होप आप लोग को काली नदी भी याद होगा, अगर आपको नेपाल वाला केस याद है अभी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी भारत और नेपाल के बीच में, तो काली नदी को लेकर चल रही थी और ये एक जगह थी काला पानी, इसको लेकर चल रही थी, ये बॉर्डर पे है भारत और नेपाल के, ठीक है। भारत में भी उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियों में कौन कौन सी है आपकी गाइस, है एक है गोरी, दूसरी है कुतु जगती जंगती, और फिर है सरजू, लोहावती और क्या है ढलिया। देखिए उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पीसेस में आया हुआ भी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ आकर मिलती हैं, तो गाइस अभी हमने देखा था कहाँ पे आके मिलती है देवप्रयाग में, तो देवप्रयाग जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित क्या है प्रसिद्ध क्या है एक तीर्थ स्थल है, और ये अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, और इसी संगम स्थल के बाद जो है नदी को क्या नाम हो जाता है गंगा नाम हो जाता है। मतलब वही है, एक एक साइड से आ रही है अलकनंदा, एक तरफ से आ रही है भागीरथी, दोनों मिलने के बाद नाम क्या हो जाता है गंगा, ठीक है। तो देवप्रयाग उत्तराखंड में पंच प्रयागों में से एक है, तो गाइस पांच प्रयाग कौन से हैं आप इसमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा अगर आपको पता है तो, ठीक है। इसमें लिखा है कि गाइस निम्न में से किस स्थान पर जो है अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, यानी दोनों आके कहाँ मिलती हैं देवप्रयाग में मिलती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, तो अभी दो तीन पेज और बचे हैं और ये हो जाएगा ख़त्म। तो गाइस ओके, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती है, भैया आपको पता होगा, आगे बढ़ते चलिए। इसमें लिखा है उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, केदारनाथ से कहाँ बहती है रुद्रप्रयाग की तरफ बहती है, तो गाइस वो है आपकी मंदाकिनी रिवर। अगर आपने वो डायग्राम देखा होगा ना जो मैंने ड्रॉ किया था, तो ये उसमें कुछ था, ठीक है। और इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जो है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो ये है अलकनंदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अब लिखा है भारत की सबसे बड़ी वह नदी है, तो गाइस कौन सी है गंगा, और हमने इसकी लंबाई भी देखी थी किलोमीटर में, तो वो कितनी थी गाइस, यहाँ पे है 2525 किलोमीटर है। गोदावरी की बात करें तो वो सेकंड नंबर पे आती है गाइस, और उसकी जो लंबाई है वो आती है गाइस 1465 किलोमीटर। फिर इसमें आती नहीं है नर्मदा की लंबाई दे रखी है, महानदी की लंबाई दे रखी है, तो गाइस सबसे बड़ी तो है गंगा। लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वही वाली बात हो गई कि हम जानते हैं गंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या लिखा है, तो गाइस
लिखा है, देखिए यहाँ पे इसके किलोमीटर में लंबाई दे रखी है, कितनी लंबी है। फिर ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक है, परंतु परंतु देखिएगा इस परंतु इसका जो विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम है। मतलब अगर हम बात करें ना लंबाई की, क्योंकि देखिए तिब्बत से निकलती है, सिंधु रिवर भारत में घुसती है, फिर पाकिस्तान में, फिर अरब सागर में जाके गिरती है। बट हम अगर से भारत में बात करें तो इतनी लंबी नहीं है भारत में। गंगा रिवर तो काफ़ी पूरी की पूरी भारत में बहती है, फिर थोड़ी सी जाके कहीं बांग्लादेश में, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वहीं अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये भी गंगा से लंबी है, लेकिन भारत में थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो बाहर तो बहुत है लेकिन भारत की हम बात कर रहे हैं। अब लिखिए गोदावरी जो है, जो आपका प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है, और ये क्या है, दक्षिण गंगा भी कहलाती है। मतलब इसको दक्षिण गंगा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो, जो अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार में, तो बहुत सबसे लंबी यही नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भागीरथी नदी निकलती है, तो भैया भागीरथी नदी इसमें लिखा है गौमुख से निकलती है। ठीक है, इसमें लिखा है भागीरथी गंगोत्री से लगभग जो है 18 किलोमीटर दूर जो है शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमानी के गौमुख से निकलती है। अब लिखा है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानों में मैदान से होता है गाइस, वो है आपकी गोमती रिवर। तो लिखा है गोमती नदी का उद्गम क्या है, गोमत ताल यानी कि फुलहर झील। ठीक है, कौन सा जिला है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश है, और ये गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदान से निकलती है। फिर लिखा है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष की अधिकांश समय में यमुना नदी जो है मृत हो जाती है। ठीक है, एक दूसरा लिखा है इसमें आर यानी कि कारण जो है कि यमुना असतत वाहिनी नदी है यमुना। ठीक है, आइए चलिए इसका जो आंसर है गाइस वो है सी, यानी कि ए तो सही है। ठीक है, और जो आर है वो है गलत, यानी कि ये सतत, इसने कहा असतत वाहिनी है, गलत, ये सतत वाहिनी है। ठीक है, पहला इसने लिखा था कि अधिकांश समय क्या होता है, यमुना नदी मृत हो जाती है। आइए देखते हैं क्या है इसकी व्याख्या। तो लिखा है कि आर गलत है, क्योंकि क्योंकि यमुना क्या है, एक सतत वाहिनी नदी है, और इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, और दिल्ली आगरा के मध्य क्या है, वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी क्या होती है, मृत हो जाती, मतलब मृत हो जाती है। इसका कारण क्या है गैस है, इसका कारण है प्रदूषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है, बेतवा, चंबल, केन और रामगंगा। तो गैस रामगंगा जो है ना, वो आपकी गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगले 10 मिनट में गैस हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी, 5 मिनट में। लिखा यमुना नदी का उद्गम स्थल है, तो गैस है गंगोत्री, नहीं सॉरी यमुनोत्री ग्लेशियर के पास, कहाँ पे है, बंदर पुच्छ से निकलती है। ठीक है, आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, तो केन, सोन, बेतवा, चंबल। तो गैस इसमें सोन है, सोन अमरकंटक से निकलती है और उत्तर की तरफ ऐसे जाती है और गंगा से मिलती है। ठीक है, और तो बाकी सारी यमुना की हैं। ठीक है, तो गैस आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है, तो लिखा है शिप्रा, बेतवा, काली सिंध और पार्वती। तो इसका आंसर है बेतवा। आइए देखते हैं, लिखा है बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है और श्रृंखला से समुद्र तल से 576 किलोमीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये उत्तर प्रदेश के लिखा है हमीरपुर, हमीरपुर जिले में जाके यमुना नदी से मिलती है। ठीक है, और शेष नदियाँ किससे मिलती हैं, चंबल से मिलती है, और चंबल आगे बढ़ के किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। यानी कुछ ऐसा कि यहाँ से यमुना रिवर जा रही है, यहाँ से चंबल रिवर जा रही है, बाकी नदियाँ सारी यहाँ 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 बह रही हैं और जाके चंबल में मिल रही है। लेकिन अगर हम बेतवा रिवर की बात करें तो ये सीधे जाके कहाँ मिल रही है, यमुना रिवर में मिल रही है। फिर लिखा है बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी जो है आपकी यमुना नदी से जाके मिलती है। फिर लिखा है इसमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, गंगा की, तो गाइस उसमें है सोन, यानी कि सोन जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, उत्तर की तरफ जाती है और जाके गंगा से मिल जाती है। और इसमें क्या है, इसमें मतलब जो पठार के किनारे पर जल प्रपातों की एक श्रृंखला बनाती है, उत्तर दिशा में बहती है, और गाइस इसमें कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। ठीक है, और गाइस इसमें तो कुछ खास है नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है। बाएं का क्या मतलब हो गया गाइस, कि यहाँ से कौन सी नहीं मिलती है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है कि देखिए हमें इतना पता है कि सोन रिवर जो है कहाँ, अमरकंटक से निकलती है, उत्तर की तरफ जाती है और गंगा से मिलती है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है सोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है, तो का आंसर है कैमूर। देखिए इसमें क्या लिखा है कि यमुना और सोन रिवर,
तो जैसे ये गंगा है, यहाँ से यमुना आ रही है, ये यमुना है और ये हो गई सोन। तो इसके बीच में जल विभाजक का कार्य कौन करती है, मतलब यमुना रिवर के और सोन रिवर के बीच में जल विभाजक का कार्य, ठीक है। अब लिखा है यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करती है, कैमूर श्रेणी करती है। और सोन नदी प्रायद्वीपीय पठार में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी क्या है, सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा, ये हो गई उत्तर पश्चिम सीमा, यानी कि यहाँ का निर्धारण करती है। और ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, यानी कि सोन नदी पटना के निकट जो है गंगा में जाके मिल जाती है। लेकिन निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र इन सब में किसका है, तो गैस इन सब में है सोन रिवर का, ठीक है। इसमें आप देख लीजिएगा महानंदा का कितना है, सोन का कितना है, रामगंगा का कितना है, गंडक का कितना है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आर ओ ए आर ओ का क्वेश्चन है ये। तो गैस यहाँ पे लिखा है मोरी बंद डेल्टा, निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक क्या है उप विभाग है, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका लिखा है बंगाल डेल्टा का। आइए देखते हैं क्या है मोरबी। यूपीपीसीएस प्री 2019 का क्वेश्चन है, तो काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है गाइस ये। इसमें लिखा है दो हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। एक एक गैर हिमालयी नदी यानी कि मेघना के साथ मिलकर क्या है विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, जिसका नाम आता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एक, इसी को हम बोलते हैं गंगा डेल्टा, इसी को हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, इसी को हम बोलते हैं बंगला डेल्टा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसे दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा, पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजित किया गया। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः तीन उप विभाग हैं, एक है हो गया मोरीबंद डेल्टा और एक हो गया प्रॉन डेल्टा, एक हो गया ज्वार सक्रिय डेल्टा में विभक्त किया गया है। मोरीबंद डेल्टा को यह नाम जो है कि बागची 1944 द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखिए खत्म होने वाला है ये। यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से गंगा नदी द्वारा गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, तो गाइस यहाँ पे लिखा है ई यानी कि संख देख लेते हैं। संख लिखा है, उत्तरी कोयल लिखा है, दक्षिणी कोयल लिखा है और बराकर लिखा है। आइए इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। बिहार पीसीएस का ये क्वेश्चन है 2019 का। इसमें लिखा है उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी, उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है और ये सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है, ठीक है, राइट साइड पर मिलती है। फिर सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है। यमुना के बाद यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है और उसके बाद गंगा में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है सोन रिवर, ठीक है, जो पटना के पास गंगा से आके मिल जाती है। और सोन में इसमें से कौन सी मिलती है आके, तो सोन में आके मिलती है उत्तरी कोयल। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है दक्षिणी कोयल जो है, दक्षिणी कोयल नदी झारखंड उड़ीसा में प्रवाहित होती है और दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर जो है कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है और जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर क्या है ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। फिर लिखा है तीसरा लिखा है बराकर दामोदर नदी की मुख्य जो है मुख्य सहायक नदी है बराकर, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिल जाती है। फिर दामोदर जो है निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिल जाती है आगे बढ़ के। तो दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है बराकर उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उप नदियां हैं। तो इसमें क्या है गैस, इसका आंसर हो जाएगा ई। तो गैस आगे लिखा है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी, देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो गैस ये बीपीएससी वाले ज्यादा ध्यान दें। तो गंगा के निकट कौन कौन कितने जिले हैं, तो यहाँ लिखा है 12 जिले। तो गैस कौन कौन से है वो 12 जिले एक बार देख लेते हैं। सारण हो गया एक, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, फिर है मुंगेर है, खगड़िया है, आपकी भागलपुर है, कटिहार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो गाइस यहाँ पे है पटना। तो लिखा है गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई यानी कि 99 किलोमीटर है, कहाँ पे, पटना में है। और दूसरा स्थान कौन सा है, भागलपुर आता है, जहाँ पे इसकी जो लंबाई है 97 किलोमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
तो गाइस यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो हो जाता है ख़त्म। दोस्तों अगर आपको जो वीडियो है पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक, अगर सच में पसंद आई हो तो कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं, आप लोग शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी सी हेल्प, कोई बुक सजेस्ट करिए आपको अगर करेंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो। गाइस मेरे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जो कि चैनल का नाम है गए #UPPCSWithChauhan, तो क्योंकि मेरा नाम है किया चौहान दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अब मिलेंगे हम जो इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम क्या है करते हैं, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, चलिए ओके बाय।